लड़की, एक पल में एक हो जाते हैं और दोनों शादी के सपनों में खो जाते हैं। कभी शादी में आए मजा, कभी शादी बन जाए सजा, हर किसकी किस्मत में क्या है किसको पता। कोई शादी करके बस गया, कोई शादी करके फंस गया, एक लड़का एक लड़की एक पल में एक हो जाते हैं और दोनों शादी के सपनों में खो जाते हैं। कभी शादी में आए मजा, कभी शादी बन जाए सजा, हर किसकी किस्मत में क्या है किसको पता। कोई शादी करके फंस गया, कोई शादी करके फंस गया, कोई शादी करके फंस गया, कोई शादी करके फंस गया। जीती रहे। दादी माँ को चाय दी जी? आप लीजिए, मैं उनके लिए दूसरी बनाती हूँ। मैं ये उन्हें देती हूँ, तू मेरे लिए दूसरी ला। जी अच्छा। चाय ला। अरे बहू पायला जी, नहीं राहुल, मैं मेरे फ्रेंड को बुलाऊंगा। मेरे फ्रेंड की बात, राहुल आउनी, ये क्या हो क्या रहा है? क्यों उसे बर्थडे पे सता रहे हो? मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा हूँ और ये मुझे मना कर रही है। मम्मी इसको बोलो अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर बुलाना। देखो तुम दोनों में से कोई अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाएगा। और तेरा स्कूल जाने का समय हो गया, जल्दी से तैयार हो जा। दादी देखो ना। नहीं नहीं बेटे, आप भी माँ जी बुलाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। बस पहले भगवान को प्रणाम करके आ, बाद में नाश्ता करते हैं। भगवान तो आप हैं, आपको प्रणाम। दादी माँ पायल, चल अवनी जल्दी कर, तेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया। चल आज कोई कॉलेज वॉलेज नहीं माँ। क्यों? आज इसका जन्मदिन है। तो फिर मैं भी छुट्टी ले लूँ? नहीं भैया, मैं तो कॉलेज जाऊंगी। नहीं अवनी, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। राइट। क्योंकि आज हमें तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाना है। अब अगले साल तो तुम अपना जन्मदिन अपने पति के घर मनाओगे ना? देखो ना भैया भाभी क्या कह रही है। सही तो कह रही है। और हम मनाएंगे आयान की पत्नी के साथ। मुझे इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी। शादी तो बहुत जरूरी है, ऊपर वाला सबके जोड़े बनाकर भेजता है, तेरी भी जोड़ी बनाकर भेजी होगी। ये देखिए सर, कोई अच्छी साड़ी दिखाइए ना। सर किस रेंज तक की चाहिए? देखिए आप प्राइस वाइज की फिक्र मत कीजिए, कोई अच्छी साड़ी दिखाइए। अच्छा सर, आप ऊपर चले जाइए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? आई एम नॉट अ सेल्स गर्ल। नहीं मुझे मालूम है, लेकिन जब मैं किसी सेल्स गर्ल से पूछता हूँ वो बोलती हर साड़ी अच्छी है। आप एक अच्छी साड़ी लेने में मेरी मदद करेंगी? हाँ, एक्सक्यूज मी, सुनिए। यस मैम। मैंने जो साड़ियाँ सिलेक्ट की है जरा ट्रायल रूम भिजवा दीजिएगा। जी मैम। ये पैकेट्स में यही रख रही हूँ। ओके मैम। यार कब से ढूंढ रहा हूँ अच्छी साड़ी। सर यहाँ तो सभी साड़ियाँ अच्छी हैं। एक तो अच्छी साड़ी दिखा दो मुझे। एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल ऐसी साड़ी चाहिए। कहाँ से ली आपने? ऊपर से नीचे से कहाँ से? ऊपर से। कितने की ली आपने? कुछ 15-16,000। वेरी गुड, इट लुक्स वेरी गुड ऑन यू, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सॉरी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी साड़ी मिल गई। ये साड़ी दीजिए, ये मेरी है। Yeah, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Avani, happy birthday, blow out your candles, very good. और ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। Wow!
इतनी सुंदर साड़ी? Obviously. ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे तुम पैसों की क्या फिक्र करती हो? वन सिस्टर आया यार, महंगी चीज दोनों से. Oh God, I cannot believe this. I cannot believe he's changed the bloody साड़ी. पता है मामा, मैंने इतनी एक्सपेंसिव साड़ी खरीदी थी, अब मैं एंगेजमेंट में क्या पहनूंगी? क्यों नाराज होती हो? तुम्हारे कबर्ड में कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और कुछ पहन लेना. बैठो बैठो. No. कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम यही चाहते हो कि मेरी बेटी वही पुराने कपड़े पहने जो पहले लोग देख चुके हैं? लोग तुमको भी पहले देख चुके हैं, क्या तुमको भी बदलूं? देखो, मुझसे इज्जत से बात करो. क्यों? ओहो बाबा, जस्ट स्टॉप इट. आप लोग ही जाइए एंगेजमेंट में, मुझे नहीं आना. ये लो. क्यों नहीं चलोगी? तुम जरूर चलोगी. देखो अभी भी वक्त है, और अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारे भतीजे के एंगेजमेंट पर आए, तो तुम फौरन एक अच्छी दुकान में जाओ और 3-4 अच्छी महंगी वाली साड़ियाँ लेकर आओ. बंस, क्या हुआ? कल एक बिल्कुल मेरी टाइप की लड़की मुझे मिली. क्या बात कर रहा है यार? और उसकी साड़ी मेरे पास रह गई. तो वो घर कैसे गई? अबे वैसे नहीं यार, वैसे बैग्स एक्सचेंज हो गए साड़ी के. अच्छा, बैग एक्सचेंज हो गए थे? हाँ. देखना, बड़ा सिंपल सा मैटर है. तू बैग लेके जा उसके घर में, बैग देखिया और दिल एक्सचेंज कर ले. सिंपल. बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. ना उसका अता मालूम मुझे, ना उसका पता मालूम. तो पता लगाओ ना बाबा, पता लगाओ. अबे कैसे लगाऊं? ऊपर वाले से कह दो कि भेज दे उसे मेरी झोली में. अबे वो अबे यान, by God, क्या सही चीज है यार. तू घर जा. इसको छोड़ियो मत. अगर तू कुछ और मांग लेता ना, बाय गॉड, तो मजा आ गया होता. इससे अच्छा और क्या मांगूं? हाँ ये भी सही है. Actually, she is absolutely mind-blowingly beautiful, I swear. पीला पोपट हमारे पास क्यों आ रहा है? भाई साहब, अच्छी बॉडी बनाई है. थैंक यू सर. इसके अलावा और कुछ भी करते हो क्या? एक्सक्यूज मी, ये क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, हमारा अपना गैराज है, हमारे अंडर 20 लोग काम करते हैं, और आज तक लड़कियां इन पे मरती आई हैं. लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पे मरे हैं. ही इज फ्लैट, ही इज इन लव, आई स्वेयर, आई एम टेलिंग यू. कौन? अबे ये सब क्यों बता रहा है? ओ बाय द वे, कमाल है आपका. बातों बातों में हिस्ट्री पूछ लिया आपने हमारी. एक्सक्यूज मी. आयान, देखो जो एक्सरसाइज कर रही है ना, गलत कर रही है. दिस इज द बेस्ट टाइम. तो बात करके और एक्सरसाइज ठीक करा क्या? अबे पागल है, कैसे लगेगा लाइन मार रहा हूँ. अबे पागल मत बन आयान, तेरे को ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा. कम ऑन, गेट गोइंग. गो कम ऑन. आप कहाँ जा रहे हैं? कबाब में हड्डी. जिंदगी में पहली बार वो रोमांस करने जा रहे हैं, उसको छोड़ दो अकेला. हाय, आप ये गलत कर रही है. आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं? जी नहीं, बॉडी बिल्डर है. थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ. आपके पीठ में दर्द हो जाएगा, शायद स्लिप डिस्क भी हो सकता है. अगर आप थोड़ा सा अपनी पीठ को सीट पे टेकें. अरे चाचा इधर देखो, इधर देखो चाचा. उसके बाद कीजिए, और ये ग्रिप यहाँ पे अब कीजिए. अरे चाचा आप तो अटक गए यार, चलो कीजिए ना. शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, साड़ी की दुकान में मिले थे. उस साड़ी की दुकान के बारे में तो बात भी मत करना. पता है उन लोगों ने मेरी साड़ी को एक्सचेंज कर दिया था. This is cheaters. And I just hate cheaters. How dare they? साड़ी की बात मत करना. साड़ी की नहीं. लेकिन आप मैं तो सू करने वाली हूँ उनको. कोर्ट लेकर जाऊंगी, देखना. बाहर निकलो. अब by the way, I'm Bunt sir, Ayan's friend. I'm Ayan. चलो बेटी चलो. बेटी बेटी, मैं तेरे को बाहर मिलता हूँ. चलो. साड़ी वाले होती कमीने. सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बेटी. पैर छू लो यार, माफ कर देंगे. अरे यार ये क्या कर रहे हो सर? कम ऑन यार, आई अंडरस्टैंड, ये सब होता है. यू आर अ नाइस बॉय. थैंक यू सर. सर अच्छा सर, आपकी लड़की का नाम क्या है, पूछ रहे हैं? उसका नाम अहाना है और वो मॉडलिंग करती है. मॉडलिंग, ग्लैमर वर्ल्ड. चलो ना पापा. हाँ आया आया. ऑल द बेस्ट. निकल. बेबी पड़ गई और बाप भी पड़ गया. एक्शन. कट. ओके. ये मॉडल है, तेरे को देख रही लगा रहे. स्टार्ट कैमरा, एक्शन. क्या कर रहे हो तुम? डू इट अगेन, कम ऑन फास्ट. वाओ,
क्या साड़ी है? गधे, वहाँ बोलना है। देखिए, जो वो मॉडल लड़का है ना, जो बाइक चला रहा है, उसे अच्छी तरह से बाइक चलाना नहीं आता। प्लीज चेंज द बॉय। ऐसे कीजिए, जिसकी खुद की बाइक है उसे चलाने दीजिए। मैडम, आपने डिसीजन तो कमाल लिया। आयान तो कमाल राइड करता है बाइक। इज माइंड ब्लोइंग। वाओ, क्या गाड़ी है। वाओ, क्या साड़ी है। ये बहलता नहीं है जब तक ना देखूं तुझे, हर पल करूं इंतजार, क्यों हो गया मुझको प्यार। दीवाना हो गया दिल, दीवाना हो गया दिल, करूं क्या, कुछ तो बता जाने जा। दिल ये बहलता नहीं है जब तक ना देखूं तुझे, हर पल करूं इंतजार, क्यों हो गया मुझको प्यार। दीवाना हो गया दिल, दीवाना हो गया दिल, करूं क्या, कुछ तो बता जाने जा। दीवाना हो गया दिल, करूं
क्या, कुछ तो बता जाने जा। कट। अरे क्या हो रहा है रुको। Who has taken my daughter away? Don't worry, Ayan handle कर लेगा। Who the hell is Ayan? Ayan is my friend, madam. And who the hell are you? I am Bunty, Ayan's friend. देखिए मैडम आप समझी नहीं, Ayan बड़ा स्मार्ट लड़का है और आपकी लड़की को बहुत। I don't care. I'm worried for my daughter. You don't understand. Ayan is a very smart guy and shut up. It's not funny, okay? It's not funny. I'm going. अबे कहाँ जा रहा है? अभी तो आया यार. For your kind information, I recently got married. मेरी अभी शादी हुई है. Do you mind? तो उसमें क्या? No more discussions. तेरी शादी नहीं हुई. शादी होगी तो मालूम पड़ेगा. शादी के बाद आदमी बन जाता है. Binding, total bind. कौन रहे वो? अरे आप. आप? Welcome, welcome, welcome. आप कैसी हैं और आपकी मॉम कैसी है? I'm really sorry about that day. मम्मी को भी बहुत बुरा लगा. No, it's okay, जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया. अयान? Hi. Hi. अयान भी यहाँ काम करता है? अरे ये तो मालिक है यहाँ, आपको मालूम नहीं? He's a rich man. आपने देखा वो शाहरुख के सामने वाला बंगलो? हाँ. इसमें बड़ा सा गार्डन है, वो बंगलो उसी का है. At least 15 crores का होगा. हाँ. Oh. इसको ज़्यादा बोलने की आदत है. It's only about 30 crores. Hi. Hi. How are you? कहीं कैसे आना हुआ? वो मेरी गाड़ी. Starting problem हमेशा की तरह. अरे आपको भी ये problem है, इनको भी ये problem है. इनकी गाड़ी तो आज तक अभी start ही नहीं हुई, लेकिन लग रहा है कि आज गाड़ी भी start हुई है, battery भी charge है और ignition भी बराबर है. कितना time लगेगा? दो मिनट. जी नहीं. At least एक दिन लग जाएगा. हाँ? Oh my God. नहीं ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 घंटे में ठीक हो जाए. टॉल डिपेंड्स. अच्छा तो मैं तब तक क्या करूँ? अब ये गैराज आपका है, प्लीज अब आई मीन बैठे ना झूले पे, प्लीज ले जाना मैडम को. यस श्योर. आइए आइए. ओह थैंक्स. हेल्प कर दो, थोड़ा सा हाई है. आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना. थैंक यू. थैंक यू. अरे ये क्या, बन सरिता अयान? नहीं आप. तो मैं चलूं? थोड़ी देर रुकी ना, अपनी गाड़ी ले जाइए. नहीं मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए. ओके ओके ओके. आपकी गाड़ी बनी नहीं है तो आप मेरी गाड़ी ले जाइए. या थैंक्स बाय. अरे आप तो बहुत जल्दी जा रहे हो. आर यू ओके? आई एम ओके. बाय बाय. ये कोई जगह ढूंढ लो सकने की. चुप कर. अरे आना की डायरी हेरे गई. आहना! हाँ? ड्राइव केयरफुली. बाय बाय. अयान ये देख क्या है. ये डायरी नहीं है मेरे भाई, तेरी मोहब्बत का दरवाजा है. इसको खोल, अंदर बाहर दे. देखिए तो देखिए कैसे दिल चुरा के चल दिए, चोरी छुप के किसी के दिल में दिल का लुटेरा. देखिए जरा किस अदा से करता है देरा. आहा दिल चुरा के चल दिए, आहा दिल चुरा के चल दिए. With a red tie. Yes. Namaste. Namaste. Come in. कहिए. शायद आपने मुझे पहचाना नहीं. जब आना मॉडलिंग करी थी तो मैं मोटरसाइकिल लेके आया था और आपने मेरे एक दोस्त को एक. Oh, I see. आपकी छोटी बहन कहाँ है? आना. आना मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है. Oh my God. This is unbelievable. You're so fit. किस काम से आए हो? कल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं. ओह आई सी. ठीक है बिल भिजवा दीजिए, हम आपको पैसे भिजवा देंगे. छोटी सी बात है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अरे सर एक्सक्यूज मी.
सर आपने मुझे पहचाना ना सर? अरे तुम्हें कौन बोल सकता है, हैंडसम बॉय, हाउ आर यू? थैंक यू सर। बाय मम्मा, मैं जा रही। अरे आहना, हाय। एंड दिस मस्ट बी टफी। हां, तुम्हें कैसे मालूम इसका नाम टफी है? टफी क्योंकि हम आपके अकाउंट के बाद हर कुत्ते का नाम टफी है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हां, ओ यू वेयरिंग वर्साची? हां, माय फेवरेट परफ्यूम। माइन टू। आई डोंट बिलीव इट। नो रियली। सुनिए सर, या चाचे। और आपका? पॉइजन। वेरी गुड। ये व्हाइट कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। व्हाइट इज माय फेवरेट कलर बिकॉज़ इट सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड पीस। वाह, क्या बात कही है। सर 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 सर, अगर माँ बेटी रास्ते पे चले ना तो टॉस है। क्यों? डिसाइड करना मुश्किल होगा कौन बेटर है। इधर 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 तू इधर। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो। थैंक यू सर। और मैं ये भी जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। क्या सर? अच्छा एक बात बताओ, तुम माँ को इम्प्रेस कर रहे हो कि बेटी को? सर बेटी को सर, लेकिन माँ के थ्रू। मत करना, गलत है। माँ बहुत इंटेलिजेंट है। इनफ। आइए। हिटलर है, हिटलर। ओके सर, मैं चलता हूँ। कॉफी कॉफी पी के जाओ। हाँ, बट आई एम लेट। हाँ, बाय बाय। नमस्ते मम्मा, मैं टफी को लेकर जा रही हूँ। हाँ आहना, लुक आफ्टर टफी। अरे लंच टाइम हो गया है। चाइना टाउन। चाइना टाउन, दैट्स माय फेवरेट प्लेस। दैट्स माय फेवरेट प्लेस टू। अच्छा, लेकिन आज नहीं, कल। ओके ओके, वी विल सी। थैंक्स। ओके बाय। यार सारे रेस्टोरेंट्स में से तुम्हें यही जगह पसंद क्यों? दिस प्लेस इज क्वाइट कूल। I like the music, the food. अच्छा। लेकिन यहाँ की सर्विस जो है ना, थोड़ी सी स्लो है। एक ही माइनस पॉइंट है। राजू? तुम यहाँ के लोगों को भी जानते हो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। राजू? थैंक यू। सर, आई एम नॉट राजू, आई एम अकबर। ऑलवेज राजू? सर विच राजू? ओके डस मैटर। आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए। यस सर। मैम फॉर यू रेगुलर वन? हाँ वही। एक्सक्यूज मी, क्या आज मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकता हूँ? क्यों? इसलिए क्योंकि आपने हमें लंच पर बुलाया है? नहीं, इसलिए मुझे देखना है कि आपका टेस्ट मेरा टेस्ट देख रही है। प्लीज गो अहेड। टू सिज़लर्स। ओके सर। हाँ, सिज़लर्स? क्यों पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, लेकिन आपको कैसे पता कि यही मुझे पसंद है? पढ़ के। पढ़ के? मैं फेस रीडिंग करता हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे सिज़लर्स मुझे भी बहुत पसंद है। What a coincidence. Mr. Raju, आप जल्दी से जाएं और आराम से खाना लेके आएं। Sir, I'm not Raju. Akbar. Yes, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. और ऐसे खड़े होके बम को इतनी तकलीफ नहीं देते? Yes, sir. Okay, Mr. Ayan. ये तो बताइए आपको और क्या क्या पसंद है? तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी हंसी। बस बस बस। मेरे बारे में नहीं जानोगी? हाँ, आपका फेवरेट कलर? ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन। ओके। फेवरेट स्पोर्ट? स्विमिंग। आपका भी? जी। फेवरेट एक्टर? जिम कैरी। अनबिलीवेबल, मेरा फेवरेट एक्टर भी वही है। अच्छा अच्छा, आपका फेवरेट हिल स्टेशन? ये मैं कल बताऊंगा। क्यों? कल के लिए तो कुछ छोड़िए ना। काफी मजा आया, हम वेरी हैप्पी। चाहती हूँ मैं अपनी डायरी में ये सब कुछ लिखूंगी। आप डायरी भी लिखती हैं? हाँ रोज। अच्छा, No.
फिर तो मेरा फोन का इंतजार कर रही थी। नहीं तो मैं क्यों इंतजार करूं? तुमको जानना ना मेरा फेवरेट स्टेशन कौन सा है? हाँ? इंडिया में ऊटी और अब्रॉड में स्विट्जरलैंड। ये तो मेरी भी फेवरेट हिल स्टेशन है। What a coincidence. क्या कर रही तुम अभी? अपने बेडरूम में। सोने जा रही थी? कुछ नहीं, बस लेटी हुई हूँ। हाँ वही। क्या पहनी क्या हो? नाइटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? देख तो नहीं रहा? नहीं तो मैं तो नाइटी पहनी हूँ। हंस क्यों रहे हो? ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। कल मिलेंगे? कल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। परसों? परसों शायद, देखते हैं। ओके बाय। मम्मा! हाँ बेटा। मेरी डायरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हाँ, डायरी नहीं मिल रही मेरी। तुम्हें जो लिखती है मुझे उससे प्यार हो गया है। अच्छा हुआ कि तुम सही आदमी के हाथ में आई हो। कहाँ छुपाऊं तुम्हें? जिंदगी में पहली बार एक लड़के ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है। अयान, ही इज सो क्यूट। मेरी पसंद नापसंद जैसे उसने मेरे दिल में उतर कर सब कुछ पढ़ लिया हो। अगर ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं ज़िंदगी भर बहुत खुश रहूँगी। क्या यही प्यार है? आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम। पहले आपके बाद कुछ भी नहीं था, कुछ भी न होगा आपसे पहले आपके बाद। है मेरी धड़कन तुम्हारी, सांसें हैं मेरी। कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना होगा आपसे पहले आपके बाद। Oh, oh, oh.
पहचान हो तुम, इबादत हो मेरी, ईमान हो तुम। कुछ भी नहीं था, कुछ भी न होगा, आपसे पहले आपकी बात। प्यार नहीं था, प्यार नहीं था, प्यार न होगा, आपसे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाइना टाउन चले? क्यों, यहीं बैठते हैं ना। हाँ हाँ प्लीज बैठते हैं ना, बाकले पे आइए कम। या कैरी ऑन, आई एम क्वाइट बिजी, लॉट ऑफ वर्क टू डू यू नो। जब प्यार की गाड़ी चल रही थी तो बंटी बंटी बंटी, अब चलने के लिए तो भूल गया बंटी को। इसी का नाम दुनिया है बाबू। शट अप। वाओ वाह, इतनी खूबसूरत जगह है यार। लगता है ना कि मुंबई से बाहर है। हाँ कहिए, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली थी। हाँ मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं, नो गर्लफ्रेंड। क्या तुम किसी लड़की को चाहते हो? हाँ एक लड़की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मुझे चाहती कि नहीं। कौन है वो? हाँ जानते हो अयान, तुम्हारे मेरे ख्यालात हर जगह मिलते हैं, बस यही नहीं मिलते। मैं समझा नहीं। तुम अपनी दिल की बात अपने दिल में रखते हो और मैं अपनी दिल की बात डायरेक्टली बोल देती हूँ। मैं अभी भी नहीं समझा। जिस लड़की को तुम चाहते हो वो मैं हूँ ना? हाँ, हाँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। नहीं 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 आना, मैं तुमसे शादी के लिए तड़प रहा। ओके तो फिर मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। मैं भी अपनी मम्मी से बात कर लूंगा। ओके गले लगना चाहते हो? इट्स ओके, शादी के बाद। शादी के बाद? मैं इंतजार नहीं करने दूंगी, मैं लग जाती हूँ। ओके बाय बाय। आना हाँ तुम्हारी सैंडल। सो स्वीट। हाँ पापा आपने मुझसे कल क्या कहा था? नहीं क्या कहा था आपने मुझसे? कि आप जैसा आदमी मुझे नहीं मिलेगा। मिल गया। मिल गया? कौन है वो? अयान। वो गैराज वाला लड़का? हाँ वही अयान। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? क्यों? मैंने तुम्हारे शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा होने वाला दामाद एक करोड़पति होगा। मम्मा अयान भी तो करोड़पति है, पता है पापा उनका सिर्फ बंगला 15 करोड़ का है। ओहो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंगला बेच देंगे, 5 करोड़ का पेंट हाउस खरीद लेंगे, 10 करोड़ बैंक में रखे उसकी इंटरेस्ट भी जिएंगे। तुम लोग कर रहे हो क्यों? वेरी गुड, घर अभी बसा नहीं, बेचने का डिसीजन भी हो गया। यार तुम चीज तुम चुप रहो। नहीं 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 मैं तो ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो लड़का शरीफ है। देखो बेटा अगर उसे कोई गलती हो जाए उसको 50 जूते मार लेना, लेकिन उसकी जिंदगी मत बर्बाद करना। क्या पापा तुम कहना क्या चाहते हो?
जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, कल को शादी में कोई प्रॉब्लम भी आई ना तो बेटा फट से डिवोर्स दे देना, फिनिश। हाँ जैसे तुमने दिया है, तुम एक काम करो, इसको अपने मुंह में डालो और मुंह बंद रखो। ओहो आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, आप लोग एहान को जानते नहीं है, वो बहुत अच्छा है, ही जस्ट सो अमेजिंग। पता है उसकी लाइक्स डिसलाइक्स पसंद नापसंद बिल्कुल मेरी तरह, और पता है मम्मा वो मेरा चेहरा पढ़कर मेरी मन की बात जान लेता है। आई थिंक ही इज वंडरफुल एंड आई लव हिम। मैं जरूर बताऊंगा। नहीं बताएगा? बताऊंगा। नहीं बताएगा तो बताऊंगा। नहीं क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं माजी, बस ऐसे ही। अरे कोई खास बात है क्या? नहीं माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही नमस्ते बोलने आया। शट अप माजी, हम लोग यूं ही जा रहे थे, मैंने सोचा आपको ऑन द वे नमस्ते करते जाएं। अब बस हो गया ना, चले अभी। अब चलो बता माजी, आप इसकी शादी क्यों नहीं कराती हैं? अरे ये तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, तुम्हारा दोस्त है तुम समझाओ उसे। आयान तू शादी क्यों नहीं करता है? अरे नहीं करनी मुझे शादी यार। क्यों नहीं करनी शादी? अरे माँ का ख्याल रखेगा। अरे माँ का ख्याल जो शादी करके आएगी वो रखेगी यार, पक्की बात 100% प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके डन, चल माजी का मैंने प्रॉमिस ले लिया है। फोटो दिखा, फोटो दिखा, जल्दी कर। ये देखिए माजी, राधा आपकी पसंद माँ। अच्छा ठीक, आई एम ओके। मंजू अबे यार, सीता जिसकी दिखानी है उसकी दिखा, झंडू किटी ये बेकार फालतू फोटो क्यों दिखा रहा है यार। अंजु और ये देखे माँ जी, ये कौन लड़के, इसका नाम क्या है? आहना माँ, आहना। ओ फिर तो मुझे ये लड़के ज्यादा अच्छी लगी। अरे नहीं नहीं माँ जी क्या हुआ, ये इस फैमिली में एडजस्ट कर नहीं पाएगी, बहुत ही मॉडर्न किस्म की है। बट वो आहना है ना, सच्चा नाइस गर्ल, एकदम भारतीय नारी, सवेरे 4:45 बजे उठती है, नहा धो के मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, व्हेन शी कम्स बैक होम यू नो सबको चाय बांटती है। अच्छा? हाँ माँ जी, आपको ऐसी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, बाय गॉड बोल रहा हूँ। जो उसकी माँ है ना वो माँ नहीं है। चुप बंटी चुप, मैं समझ गई। आयान जब ये लड़की तुम्हें पहले से ही पसंद थी तो ये सब नाटकबाजी करने की क्या जरूरत थी? देखो आयान, जो लड़की तुम्हें पसंद है उसी से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू माँ, चलें। चलो माँ जी, थैंक यू। जो बेटी है ना वो सीधी साधी है, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे संस्कृति वाली है। उसके पवित्र कदम आप लोगों के घर में पड़ेंगे ना, आप लोगों की इज्जत को, हाँ, इज्जत को चार चांद लग जाएंगे। हमें ऐसी बहू चाहिए। दूल्हे राजा। हाय हाय। अरे एक मिनट, चलो एक मिनट यार बात। चलो अरे भाभी काफी मॉडर्न है, भैया की तो निकल पड़ी। चुप कर रहा हूँ। क्यों कहो? थैंक यू। पूछोगे नहीं क्यों? वो क्या है ना, सिर्फ गहने निकालने में पूरा 1 घंटा जाता है, तो मैंने सोचा यार कुछ मिसिंग है। हमारा फेवरेट परफ्यूम बरसाची।
11 बज गए और भाभी अभी तक सो रही है। मैं उठा के लेके आता हूँ। अयान भैया, रात भर तो आप ही ने उसे जगाया होगा, आप तो सोने दीजिए। लेकिन भाभी, करण ने भी तो आपको रात भर जगाया ही ना, लेकिन आप तो उठ गई। अयान, सोने दे बहू को। का नई भौजी है। हाँ। बहुत स्मार्ट लागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय भाभी, नाइस ड्रेस, यू लुकिंग वेरी हॉट। अबे थैंक्स। क्या हुआ? एक मिनट इधर ऊपर चलिए। मैं अभी आई। अरे अयान, क्या हुआ? ये तो क्या पहन के नीचे चली आई? व्हाई, इजंट इट ब्यूटीफुल? आई लव दिस नाइटी। यू नो, इट्स वेरी नाइस, लेकिन इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है। ये ऊपर से थोड़ी सी नीचे है और नीचे से थोड़ी सी ऊपर है। पर मैं कंफर्टेबल हूं। इवन आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन सिर्फ बेडरूम में। बाहर आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। मम्मी ने इतने प्यार से बनवाई थी। हाँ, तू अपनी मम्मी को दो ना, तुम्हारी मम्मी से बहुत अच्छी लगेंगी। मम्मी के पास बहुत है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर डैडी। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये ड्रेस किसके लिए पहनी? और किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? सच? अब तुम्हें मालूम है ना कि हर आदमी पे एक ही चीज का भूत सवार रहता है। सेक्स। डिस्गस्टिंग। है ना? ऐसे तीन डिस्गस्टिंग लोग मेरे घर में मौजूद हैं। एक मेरा धोबी, एक मेरा नौकर और एक मेरा दूध वाला। और दूध वाले की सोच ना इस मामले में बहुत दूर दूर तक जाती है। अयान, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं ये ड्रेस बेडरूम से बाहर नहीं पहनूं? हाँ। तो बस इतना बोल दो ना, मैं नहीं पहनूंगी। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, एक दिन मैं तुम्हें 100% कन्विंस कर दूंगा। अयान, बेडरूम के अंदर तो तुम कंफर्टेबल हो ना? बोला ना, वेरी अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि बेडरूम में ऊपर से थोड़ा सा और नीचे और नीचे से थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। नॉटी। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। सी यू लेटर। ऑर्थोडॉक्स। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बहन। नमस्ते। आइए ना, आइए। बंसी जी, माँ जी, सामान लो। नमस्ते। आइए। कैसे हो बंसी? कैसे हो मारा? बैठिए भाई साहब, बैठिए। पाय लागू। अरे अरे जी थी रो। बहू, तुम्हारे मम्मी डैडी आए हैं। नमस्ते अंकल। बेटा कैसे हो? मामा, कम माय डार्लिंग, आई मिस्ड यू। हाउ आर यू? फाइन। कैसी हो? पापा कैसी हो मेरी बेटी? फाइन। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? कम आना, यहाँ बैठो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर रहा है। हाँ। थैंक यू। नमस्ते। हाँ, खुश तो हो ना? बहुत गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप दोनों ने हनीमून के लिए कहाँ जाने के लिए सोचा है? जी, हम लोग सोच रहे थे कि खंडाला चले जाएं। हाँ। मैं जानती थी कि ख्यालों में भी तुम खंडाला के आगे नहीं जा सकते। बट एनीवे, डोंट वरी, आई हैव अ लवली सरप्राइज फॉर यू। टू टिकट्स टू लंदन। लंदन? मम्मा, आई लव यू। हाँ ना, फिर ये दो लंदन की टिकट्स का क्या होगा? हमारा जमाई बहुत खुदगर्ज आदमी है, हमसे टिकट नहीं लेगा। एक काम करते हैं, इन दो टिकटों पर हम दोनों लंदन चले। नहीं नहीं, मैं लंदन अपने हनीमून पे जाऊंगा ना। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से। मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे।
सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। अपनी देते दुनिया लुटाते, कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते, सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। और क्या बताओ, इतना पागल है रॉकी। कहाँ है तुम्हारा कसन? हे उधर। उधर क्या दिख रही हो? इधर देखो ना, इधर आ। हाय दीदी। रॉकी। वाह क्या टाइमिंग है। हाय जीजू। अरे पैरी बहन जीजू, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि मेरी शादी भी जल्दी से हो सके। क्यों सिस्टर? अरे यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? किसी अंग्रेजी मैम से शादी कर ले। क्या बात कर रही है दीदी, रॉकी चाहे काम अंग्रेजों के बीच में करता हो मगर शादी शादी एक हिंदुस्तानी भोली भाली लड़की से ही करेगा। क्यों जीजू? वाह आई एम वेरी इंप्रेस्ड। सही बोला ना जीजू? अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी शादी करूंगा। कहीं चले बाहर? चलो। अरे वाह भाभी, ये पूरी फैमिली आ गई है। वाओ कितना खूबसूरत हार है। हाँ अच्छा है यावनी, ले लेना। नहीं भैया। ले लेना। नहीं भैया। अरे ले ले।
चलो तुम लोग नीचे जाओ, चलो। और भाभी आप? नहीं। लिपस्टिक? माँ आपको? मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बहू अपनी खुशी से ये सारी चीजें लाई है, उसी के पास रहने दो ना, तुम क्यों सबको बांट रहे हो। चलो नीचे। भाभी अगर आपको ये हार पहनना हो तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी। आना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन दूसरों की चीजों के लिए। दूसरों की चीजों पर? तुम्हें पता था ना कि वो चीजें मेरी थी। उसके पास रहे तुम्हारे पास रहे फर्क क्या पड़ता है। मुझे वो चीजें अच्छी लगी थी तो मैंने खरीदी, वो भी अपने पैसों से, और तुमने उन्हें दे दी, मुझसे पूछा तक नहीं। I don't care. कहाँ जा रहे हो, वापस लेने? अवनी वो हार वापस दे कर। माँ मैं नहीं हार वापस दूंगी, मुझे बहुत पसंद है। अवनी सुना नहीं तूने, जाकर दे के आ। देख बेटी, आयान से कहकर इससे भी अच्छा हार तेरे लिए मंगवा कर मैं तुझे दे दूंगी, समझने की कोशिश कर अवनी। जा जा बेटी, खुशी खुशी देख कर आ, रोते नहीं रोते नहीं, जा। रुको अवनी दीदी, मैं भी आता हूँ। अवनी मैं भी आती हूँ, चलो। क्या हुआ भाभी? ये मैंने पहनकर देखा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ये आप ही रखें। आहाना इसे तुम ही रख लो, ये लिपस्टिक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। माँ कहती है ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएंगे। ले लो बेटा, फ्रॉम माई साइड। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। खुश हो ना अपने पूरे परिवार के सामने मुझे जलील करके? अब मैंने क्या किया है? क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जितना तुम अपनी मोटरसाइकिल्स को समझते हो ना, काश उसका 25% तो मुझे समझते। ब्लडी मैकेनिक। क्या? ब्लडी मैकेनिक। इवन माय मोटरसाइकिल्स बेटर देन यू। क्या? कुछ नहीं, नथिंग। हे हेलो। क्या है? क्या चाहिए आपको? आना मुझसे बात मत करो। आना देखो, कल का झगड़ा कल खत्म हो गया, आज फ्रेश दिन है। आई लव यू वेरी मच। मैंने दिल तुझको दिया। झूठ। सच। एक नई पिक्चर रिलीज हुई है उसमें। पता है लेकिन हमारी कहाँ किस्मत कि हम पिक्चर देखने जाएं। 11 बजे 12 बजे का शो है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आई लव यू। शादी इज माइंड ब्लोइंग समटाइम्स, समटाइम्स ब्लोइंग माइंड। जा चलो ना, देर हो जाएगी, देखो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद चाइना टाउन। अरे नहीं नहीं खाना करा, मैंने इस उम्र में मैं कहाँ पिक्चर देखूंगी। दादी माँ आपको इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि अयान ने खास करके हम सब के लिए टिकट्स लिए और आप अयान की बात टाल नहीं सकते। सब लोग चलो। भाभी भाभी हम सब लोग तैयार है, बस दादी माँ 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। तुम लोग भी बाहर जा रहे हो? हाँ, आपको नहीं पता हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, चलिए ना। ओह राहुल सर अयान को बुला दो, अभी भेजता हूँ। अयान भैया आया आया आया, चलो ना। मुझे नहीं आना। क्यों? पूरे परिवार को पिक्चर दिखाना चाहते थे इसलिए मुझे मस्का लगा रहे थे। अरे मैं तो ये सोचा तुम खुश होगी सबके साथ जाने में। बीवी अपने हस्बैंड के साथ अकेले जाने में खुशी महसूस करती है, पूरी पलटन के साथ नहीं। ओ पलटन। हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने ना।
अब सोचो वहां पे हम लोग अकेले होंगे नहीं ना। अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा बैठा हूँ, रोमांस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ थिएटर में, और यहाँ पे एक आदमी बैठा तुम्हारे साथ यूं कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं इन सबको सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूँ, समझी? I'm not convinced. One day I'll convince you. आयन भैया चलिए ना, लेट हो रहा है। चलो 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 प्लीज। वाओ फैंटास्टिक। अरे हाना तुम आर्टिस्ट भी हो? बैठे बैठे बोर हो रही थी, समझ में नहीं आता और क्या करूं। तुम बोर क्यों होती हो? घर पर बैठे बैठे और क्या करूं? कुछ करो ना। मैं कोई काम करना चाहती हूँ। देखो मॉडलिंग के अलावा जो करना करो, यू अंडरस्टैंड? हाँ। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक खोलना चाहती हूँ। बुटीक? या ग्रेट, थैंक्स। खुश रहो, जो भी चीज मांगना है मांगो। मांगो? मांगो। समझ में नहीं आ रहा कैसे मांगू। आयान, मैं सोच रही थी अगर हम दोनों एक छोटा सा घर लेके अलग से रहे तो। छोटा सा? देखो आना, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में रहें, खुश रहें। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती। यू आर अ गर्ल ना, तुम लड़की हो इसलिए। तो? अरे लड़की, तुम्हारे सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर में और हमारे सो कॉल्ड इंडियन कल्चर में, कल्चर दुनिया में कहीं पे भी, अंडरस्टैंड, जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की लड़के के घर आती है, अंडरस्टैंड? तो ठीक है ना, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी फैमिली से तो नहीं। अरे इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्लेन दिस टू मी। बोलो ना क्या हुआ, क्या है क्या? मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती। अरे आर्ग्यू नहीं करना चाहती है या पॉइंट ही गलत आर्ग्यू करने का? डोंट आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट बिकॉज़ यू लूज। पॉइंट ही नहीं तुम्हारे पास आर्ग्यू करने के लिए। अगर बहस करना हो ना तो मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो करो फिर आर्ग्यू, यही करती रहती हो, करो। पता भी है, पूरे दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन यहां किसी को कोई परवाह नहीं है। जब वो तुम्हें नीचे खाने के लिए बुलाते थे तो तुमने उसे क्या बोला? कि उनको बोला कि जब मुझे भूख लगेगी मैं नीचे आके खाना खा लूंगी। राइट और रॉन्ग? जब बुलाओ तो प्रॉब्लम, जब नहीं बुलाओ तो प्रॉब्लम। मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड। हाँ, सारी गलतियां मेरी ही है। शादी से पहले तो कोई गलती नजर नहीं आती थी, क्यों? हमेशा मैं ही सही थी। शादी के बाद मैं गलत हूँ। यू आर ऑलवेज राइट। सारे मर्द एक जैसे, मेरी गलतियां मैंने शादी की। बस बस बस, कितना चिल्लाओगी? आई एम ऑलवेज राइट बिकॉज नाउडेज यू ऑलवेज रॉन्ग। समझती नहीं हो? चलो उठो। क्यों? तुम्हें खाने पे ले जा रहा हूं। कहाँ जाना है? नीचे। नीचे? You know what? You're so bloody self-centered. तुमसे मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। It's just you, you and you. Stop it. What? What selfish? What selfish? What me, me and me? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अकेले में। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। हर काम मुझे तुम्हारे फैमिली से पूछकर करना पड़ता है। मैं थक चुकी हूँ, just get off me. पता नहीं तुम्हारी लॉजिक इतनी इलॉजिकल कैसी हो गई है। इधर आ, देखो आना, मैं चाहता हूं, कम जिस दिन तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझोगी उस दिन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सब बहुत खुश हो जाएंगे। आई एम नॉट कन्विंस्ड। वन डे आई विल कन्विंस यू। आयान फोन है। किसका? पाजी का। हेलो आयान, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या माँ? तू बाप बनने वाला है। सच?
लव यू। अयान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ क्या? जो कुछ भी कहना है सब कह दो। तुम मेरे बच्चे की माँ जो बनने वाली हो। अयान, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। हर शादीशुदा औरत को माँ बनने की ख्वाहिश होती है, और तुम हो क्या? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन आई जस्ट डोंट फील दिस इज द राइट एज। मेरी उम्र ही क्या है? हाँ, राइट एज, उम्र ही क्या है? अरे जब मेरी माँ तुमसे 4 साल छोटी थी तो मैं, मुझे पैदा किया। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि बच्चा पैदा मत करो? तुम मेरी माँ को क्यों बीच में घसीट रहे हो? जब मैंने अपने माँ के बारे में बात की तो तुमने अपने मुंह क्यों फेर लिया? ओके ओके, बस इतना बताओ हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम? 4 महीने 17 दिन। इन 4 महीने 17 दिनों में हम लोगों ने कितनी बार झगड़ा किया यान? झगड़े याद है? कितना प्यार किया है वो भूल गई? और फिर इन झगड़ों से बच्चे का क्या संबंध है? संबंध है, अगर अगर बच्चे के आने के बाद हम लोगों ने इसी तरह से झगड़े किए तो बच्चे पर क्या असर होगा? I think नहीं, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। No, you're right. I agree. तुम right हो, इसलिए आज के बाद कोई झगड़े नहीं, okay? हर झगड़े के बाद तुम यही कहते हो। देखो, जब झगड़े ही नहीं होंगे तो मैं ये कैसे कहूंगा I love you? इस मामले में मेरी फैमिली आशु बहुत ऑर्थोडॉक्स है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम इस बच्चे को मार रही हो। तुम सिर्फ उनके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचना ही मत। मुझे कोई लेना देना ही नहीं वो क्या सोचते हैं। तुम्हारी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा खानदान क्या सोचता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे ये बच्चा चाहिए, समझे? I want my firstborn, our firstborn. मुझे ये बच्चा चाहिए, बस। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था कि मिडिल क्लास लड़के से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अपनी जिंदगी अपने हाथों से तुमने बिगाड़ी है। मामा, बीती हुई बातों पर डिस्कस करने से क्या फायदा? कैसी बात कर रही हो आना? बीत गया वो जमाना जब लोग मिली हुई जिंदगी को जीकर मर जाते थे। आज का दस्तूर ये है, जो जिंदगी तुम्हें पसंद है उसे अपने स्टाइल से जियो। एनीवे, डोंट वरी, मैं कल ही तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लेती हूँ। मम्मा, उन लोगों को यह बच्चा चाहिए तो उनमें से किसी को पैदा करने के लिए कहो ना। आहाना, पम्मी जल्दी आओ भाई, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, केक काटना है, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, इंसानों का तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता, आजकल कुत्तों का जन्मदिन मनाया जाता है। 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक जन्मदिन नहीं मनाया। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। Hi, Taffy. कुत्ता 1 साल का हो गया। I know. Taffy, come here. Come. Oh my darling. Come, come. Oh, 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 oh. Mama. Anna. Mama. तुमसे
पे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि कभी झगड़ा नहीं करूंगा। देखो स्वीट ना, बच्चा कैसा है? आयान हमारा बच्चा नहीं रहा। I had a miscarriage. It was an accident. बहू ये ले खाना। अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? वो समझते मैंने ये बच्चा जानबूझ के गिराया। कहाँ है आयान? आयान ये सब क्या है? कुछ नहीं। हाँ कुछ क्या हुआ? मैंने बच्चे को गिरा दिया। नहीं मुझे सब पता है, मुझे उसकी माँ ने बता दिया है। माँ सब झूठे हैं। नहीं आयान, माँ 3 दिन पहले तो मुझे बोली थी कि बच्चा नहीं चाहिए। देख कोई माँ अपने बच्चे को गिरा नहीं सकती, पागल जैसी बात मत कर। ये कर वो वाकई सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरी बात का यकीन कर। तुझे विश्वास नहीं है ना, आ मेरे साथ। अरे वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे उसका साथ देना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए उसके साथ। बहू इसे दिखा, दिखा इसे यकीन नहीं हो रहा है। दिखा देख देख, हो गई तसल्ली। आयान एक बात बताओ, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका रहता है, तुम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। सॉरी बोलो बोलो। I'm sorry. बहू तू खाना खा ले, तू चल मेरे साथ नीचे, थोड़ी देर बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, खाना खिलाने के बहाने फिर से झगड़ा शुरू करेगा, चल मेरे साथ चल। आज साइको के लेक्चर में प्रोफेसर ने जो भी सिखाया मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा लगता है मैं लाइब्रेरी में जाकर चैप्टर फिर से पढ़ूंगी। प्रीति तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ यार मुझे भी नोट्स कंप्लीट करने हैं। तेरे लिए मैं कॉलेज में आकर इतना फील्डिंग करता हूँ, तेरे को तकलीफ है क्या? हाँ ला दुपट्टा दे इधर, इसे लेटर कहते हैं। क्या? लव लेटर। इसे घर पे ले जाना, आराम से लेट कर पढ़ना और जैसा इसमें लिखा है वैसा ही बिहेव करना, ठीक है? क्यों आए हो आप यहाँ भैया? प्लीज आप चले जाओ। ए तू तो पास हो गया ना, कॉलेज में क्या कर रहे हैं? तू मेरी बहन है यार तू उसके। ये तेरी बहन है? ए मेरी बहन नहीं है। समस्या का यह हल नहीं है, जिस घर में जवान लड़की हो उस घर में तो यह सब होना ही है। मारपीट करने के बजाय तो यह अच्छा होगा कि तुम उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो,
रॉकी चाहे काम अंग्रेजों के बीच में करता हो मगर शादी शादी एक हिंदुस्तानी भोली भाली शरीफ लड़की से ही करेगा। आयान यू राइट माँ, एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन है वो? आहाना का कजन है। अच्छा, लंदन में रहता है। तो बात करके देखो ना। आज ही बात करता मैं उससे। बड़े ताज्जुब की बात है, आज पहली बार अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे साथ डिनर के लिए आए हैं। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? एक पति अपनी पत्नी को डिनर पे नहीं ले जा सकता? ला सकते हैं, लेकिन शादी के बाद ये हम पहली बार आ रहे हैं बाहर। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ओ, इसलिए। खैर, कल लेके आ जाते, दो काम एक साथ हो जाते। क्यों, कल क्या है? अपने बीवी का जन्मदिन भूल गए? तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? अयान, बस छोड़ो इससे बात है। I'm sorry. पहले कुछ खा लेते। या क्या खाओगी? This is the limit, हाँ? ये भी भूल गए कि मैं यहाँ पे आगे क्या खाती हूँ? नहीं। अकबर, दो सिज़लर्स लाना। बताओ क्या बात है? छोड़ो। नहीं, बताओ ना क्या बात है। छोड़ो ना। Okay, I'm sorry. हम लोग अपनी की शादी के लिए सोच रहे हैं। वेरी गुड, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना तो पूछ सकती हो ना कि लड़का कौन है। कौन है? जो तुम्हारा कजन लंदन में रहता है उसके बारे में सोच रहे हैं। अयान, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? बस नहीं हो सकता। क्यों, क्या खराबी मेरी बहन में? आपकी बहन में कोई खराबी नहीं है। जो भी खराबी खामियां है वो मेरी फैमिली में छोड़ दीजिए ना। तुमसे बात करने कोई मतलब ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। मम्मी से कोई बात मत करिए, कुछ उल्टा सीधा बोल गई तो फिर मुझे मत बताइएगा। क्यों बोलेगी उल्टा सीधा? क्यों? अरे मैं रिश्ते की बात लेके जा रहा हूँ उनके पास। What is wrong with you? आपके फैमिली और मेरे फैमिली में बहुत फर्क है। आपके संस्कार विचार हम लोगों के संस्कार और विचारों से बहुत अलग है। अतुल लंदन में पला बड़ा है, वो बिल्कुल फिट नहीं होगी। तुम फिट हो गई ना? तुम हो गई ना फिट? तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मेरे चेहरे से पता चलता है ना मैं कितनी खुश हूँ। मेरी बहन एडजस्ट कर लेगी। नहीं कर पाएगी। वो तुम जैसी नहीं है। मुझ जैसी नहीं है। अयान, मैं आपकी बहन को अच्छी तरह। That's it. मैंने कुछ बोला भी नहीं है अयान। That's it. अरे, I have not said. No, not a word against my sister, okay? Fine, जो करना है करो। लेकिन अगर ये शादी हो भी गई ना, तो 15 दिन तक भी नहीं टिकेगी। That's it. Enjoy your sisters. कुंभकरण, एक गॉड, मेरे याद दिलाने के बाद भी इनको तो कोई परवाह भी नहीं है। कम से कम आज के दिन तो शायद मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। कब का हैप्पी बर्थडे टू यू जान। अयान, आई लव यू। दीवाने दिल को जाने जान कहीं आराम नहीं। दीवाने दिल को जाने जान कहीं आराम नहीं। दीवाने दिल को जाने जान कहीं आराम।
चौहत के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। दीवाने दिल को जाने जा कहीं आराम नहीं। नखरे दिखा के चल दिए चल दिए। चोरी चोरी चुपके मेरे दिल को चुरा के चल दिए चल दिए। मेरे होठों पे तेरे सिवा कोई अब नाम नहीं कोई अब नाम नहीं। तेरी चाहत के सिवा को दूजा काम नहीं। चुपचाप मगर तू क्यों खड़ी क्यों खड़ी। तुझे देखे बिना गुजरे वो कोई शाम नहीं वो कोई शाम नहीं। तेरी चाहत के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। दीवाने दिल को जाने जा कहीं आराम नहीं। सिवा मुझको तुझा काम नहीं। क्या टाइमिंग है घर वालों की? Hey, आयान 12 बज गए। अरे हाना हैप्पी बर्थडे। व्हाट अ सरप्राइज। डिस्टर्ब तो नहीं किया? हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा बाद में खोलना। हां हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे आयान। आयान ओह माय गॉड। काश ये लड़की हमारे फैमिली के साथ ऐसी हंसती खेलती रहे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू राहुल। गुड नाइट। थैंक्स अवनी। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। Bye, see you after 1 week. Bye, bye. Happy birthday. Come. क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। You better be there, नहीं तू। ये मेरा पहला birthday celebration है इस घर में। Okay, चलो अब आगे मत करो। I'll never ever talk to you, हाँ? चलो आ जाओ। Bye. Hello. Hello. Mama. आना। मम्मा आप अभी भी घर पे हो? आ रही हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने सबको फोन कर दिया है। ओके ओके बेटा। यू बेटर बी देयर ऑन टाइम। हाँ ऑफ कोर्स। बाय। ओह कहाँ गया? निकलो, क्या है? डायरी
लेकिन आपको कैसे पता कि यही मुझे पसंद है? पढ़ के। पढ़ के? हाय भाभी। हाय भाभी। हाय। अरे अवनी, ये साड़ी बिल्कुल अच्छी है ना? अयान भैया ने दिए मुझे। भैया ने? हाँ, मेरे बर्थडे पे। तुम्हारा बर्थडे कब है? 2 जुलाई। ओहो अवनी। जी दादी माँ, अभी मैं 1 मिनट में आई।
मुझे न मुझको कुछ भी कहना, जो दिल चाहे कर जाऊंगी, मदहोशी के इस आलम में हद से आगे बढ़ जाऊंगी। वो हाँ, आज न मुझको कुछ भी कहना, जो दिल चाहे कर जाऊंगी, मदहोशी के इस आलम में हद से आगे बढ़ जाऊंगी। बेटी तू नहीं, बेटे समझाओ क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, क्यों पी शराब तुमने? क्योंकि आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। मेरी असलियत? मैंने क्या किया है? शराब तो तुमने पिया ना। तुमने मेरी डायरी चुराई। देखो आना, ऊपर चल के बात करते हैं। क्यों, शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती है सबके सामने सुनते हुए कि तुम? एक सेकंड जरा प्लीज आइए सामने, जरा प्लीज आइए। तुम एक नंबर के झूठे हो, चीटर हो, मकार हो। तुमने मेरी डायरी चुराई, मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझसे शादी की। आना, इसने डायरी चुराई नहीं, मैंने दी थी इसको। ओह शट अप, तुम सब एक से हो, सब मिले हुए हो। आंटी शट अप। सर ये सब मैंने किया है तो आना को पाने के लिए। मुझे मैंने शादी की। बेटे तुम, पापा आप बीच में मत पड़िए। तुमने मुझसे शादी किया ना, मुझसे बात करो तुम। तुम मुझसे बात करो। हाँ कहो। देखो तुमने शराब पी, कल बात करेंगे। अरे छोड़ यार, पार्टी चल रही, कहाँ मूड ऑफ कर रहा है यार, और वैसे भी शराब ही तो पी है। हाँ, इसमें क्या, शराब ही तो पी है। एक काम करना, तो अपनी माँ को शराब पिला, अपनी बहन को शराब पिला, और जब तेरी बेटी होगी ना तो उसको शराब पिला। तुम पे क्यों उठाऊं मैं यार? I love you Anna। Shut up okay? बड़े आई कल्चर, कल्चर दिखाते हो? हाँ? Come on hit me। हाथ उठाना है ना? नहीं, you hit me man, you hit me। Anna। नहीं, you hit me। Anna। Anna please, please देखो। आप please बीच में मत पड़िए, please। समझ ली? Come on। हाँ? छुप जा अपनी माँ के पल्लू में। Bloody typhoon spider। एक सेकंड। तुम्हें मारी खाना है ना? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसकी ये हिम्मत कि मेरे फूल जैसे बेटी को उसने चाटा मारा, जबकि आज तक रम्मी मैंने इसको एक गुस्से की नजर से भी नहीं देखा। This is really too much. Don't worry Anna, उसने तुम्हें रुलाया है, लेकिन मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी। गलती हमारी बेटी की भी है, उसको सबके सामने आयान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस भिखारी ने मेरी बेटी को चाटा मारा, तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुस्से को थूक दो। मैं जाता हूँ आयान के पास, उसको समझा बुझा कर यहाँ पर लाता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की, और ना ही उस घर का कोई इंसान इस घर में मैं घुसने दूंगी। इस मामले को किस तरह से ठीक करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुझे बहू को इस तरह चाटा नहीं मारना चाहिए था। आपने देखा नहीं किस तरह से बदतमीजी से बात कर रही थी वो? अगर अंजू ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की होती मैं तो उसे। करण, जरा सोचो, अगर अवनी के साथ इस तरह से कोई पेश। देखो माँ, अवनी ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करती, और अगर ऐसी बिहेव करती और उसका हस्बैंड उसको चाटा मारता तो ठीक ही करती। बिल्कुल सही है। बस बाबा, मैं तुम दोनों के साथ बहस नहीं करना चाहती। अयन जरा सोचो, मैंने माना कि बहू ने ना समझी की है, लेकिन तुम तो समझदार हो, जाओ उसे लेकर आओ। नहीं, अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो उसका क्या होगा,
वो बेचारी तो कहीं की नहीं रहेगी। मुबारक हो, आपकी लड़की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी माँ, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अब बेटी तुम्हें हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हाँ तो मैं चलूं? आइए आइए आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। पम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों के तो झगड़े होते रहते हैं, फिर ये 6 महीने में 2 बार प्रेगनेंट कैसे हो गई? अब तुझे क्या बताओ रमी, उस लड़की को तो सिर्फ मेरे बेटे के जिस्म से लगाव है। लो आगे स्ट्रॉन्ग मैन अपनी बीवी पर हाथ उठाते। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सब जानती हूँ, सॉरी बोलने आए हो ना? अब दो झूठे आंसू भी बहाओगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किस हक से तुमने मेरे बेटी पे हाथ उठाया? अगर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया होता ना, तो उसकी एक एक हड्डी पसली तोड़ देती मैं। Excuse me, मैं आना से मिलने आया हूँ। आना, कर चलो, मेरे साथ आना। तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुम्हें माँ चाहिए या ये लड़का। आना, आना, मेरे साथ आना। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने जाने का फैसला किया तो हम सब लोग तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए मर चुके। मम्मा, आना, एक मिनट, चुप। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ सकते हो? नहीं ना? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूँ? मेरी माँ हम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ हम दोनों को अलग अलग देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरी माँ बुरी है, मेरी पूरी फैमिली बुरी है, बस तुम्हारी फैमिली सही है, तो तुम हम बुरे लोगों के साथ कर क्या रहे हो? जाओ ना, रहो अपनी मौत के साथ। तुम्हारा क्या फैसला है? ऑफ कोर्स डिवोर्स। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर तुम जिंदगी भर सिर्फ रोती रहोगी। मुझे देखो, मैं डिवोर्स करके कितनी सुखी हूँ। Will you shut up? Marriage is all bullshit. Don't teach me anything. आना, तुम मुझे बताओ। क्यों? तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स देने की बात तुम करोगी क्या? That is none of your business. She is my daughter and she is equally competent. वो चाहे जो बन सकती है, she can be a top heroine, she can be a top model. आना, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं बन पाई, इसलिए अपना हर सपना तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती है। अगर तुम्हारे लाइफ में महात्मा गांधी जैसे भी आदमी आए ना, तब भी उसमें कुछ खराबियां निकालेंगी। Of course. Now will you please get out? Who wants to be here? I said get out. Thank God. आना, अब हम कल ही जाकर वो अबॉर्शन फाइनल कर देंगे। अबॉर्शन? तुम मां बनने वाली हो, यू प्रेग्नेंट, और तुम मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहती हो? मैं नो, चलो, ये मेरा खून है, इसीलिए ये तुम्हारा गंदा खून है, इसीलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। विल यू शट अप? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं देता हूं तुम्हें डिवोर्स, लेकिन अगर मेरे बच्चे को मारने के लिए किसी ने सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? और सर, मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूं, ये जो आपकी खामोशी है ना, इसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं हो, कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा।
ना बीबी, तलाक के लिए आमादा है, तैयार है, तो बहस का कोई मतलब ही नहीं उठता। लेकिन कानूनी ढंग से आप दोनों को तलाक के लिए एक साल तक अलग अलग रहना पड़ेगा। अगर एक साल में आप दोनों में सुलह हो जाती है या फिर आप दोनों एक साथ फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं तो आप लोगों को तलाक नहीं मिलेगा, वरना एक साल के बाद आज ही के दिन आप दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी जाएगी। जज साहब, कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। साल क्या, मैं तो कहती हूँ कितने भी जन्म बीत जाए ये सुलह नहीं हो सकती। मुझे इनसे यही उम्मीद थी जज साहब। जज साहब, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। What nonsense are you talking? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि कौन सेंस बात करता है कौन नॉनसेंस है। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इस लड़के के लिए मेरी बेटी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जज साहब, ये अपनी बच्चे की एक शादी कराए या दस, दस अबॉर्शन कराए या पचास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। That's impossible. जज साहब, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इनको जितनी शादियां करना करें, कितने अबॉर्शन करना करें, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इन सात महीनों में मैंने सात जन्मों के वैवाहिक जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लिए कौन बचा? एक नन्ही सी जान जो इनके जिस्म में पल रही है। जज साहब, मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब, ये सब रोने का नाटक कर रहा है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। देखिए, आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये अदालत का आदेश है। शुक्र है भगवान के, मासूम की हत्या होने से बच गई। तुम वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते उस फैमिली के साथ? तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ से कोर्ट के बाहर? चुप। जज साहब, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँ। यस, कहिए। जज साहब, इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था, मुझे डर है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे और कहेंगे कि मिसकैरेज हो गया। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा पैदा हो ये मेरे साथ मेरे घर पे रहे। जज साहब, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक है जज साहब, आपको तो मालूम है ना, एक हिंदुस्तानी नौजवान के लिए घर जवे बन के रहना कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ। ये मेरे घर पे कैसा रह सकता है? मैंने कहा ना, आप अपना मुंह बंद रखिए, आइंदा बोलेंगी तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगी। क्यों मुंह खोलती है? चुप। जज साहब, जो मदर माँ आपसे ऐसी बात कर सकती हैं, तो मेरा उस घर में क्या हाल करेंगी? जज साहब, आप मेरे मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकती हैं? अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दलील नहीं, अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर आयान अहाना के घर में ही रहेंगे और अदालत मिस्टर आयान को और उनके होने वाले बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। दिल्ली का लड्डू ये खाओ बेटी। ये क्या कर रही हो तुम? इस वक्त इसके लिए ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इसको ये क्यों खिला रही हूँ। तो सत श्री अकाल जी। तुम? ओए बले बले, भूल गई आप? आप ही के कहने पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आपकी कुड़ी को डिवोर्स चाहिए तो डिलीवरी होने तक इनके नाल रहना पड़ेगा, करेक्ट? मगर तुम कौन हो? पुलिस कांस्टेबल हरविंदर सिंह हावी। यहाँ क्या कर रहे हो? आप जरा चुप बैठिए, इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो ये इन पे कड़ी निगरानी रखेगा, इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे प्लीज सोच समझ कर उठाइए, वरना मजिस्ट्रेट को फोन कर देंगे। अरे दामाद, आप खड़े क्यों, बैठकर कुछ खाओ ना। दामाद? कौन दामाद? ये मुरारी, इन दोनों को सेवन क्वार्टर्स दिखा दो। जी नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा लेकिन इनके साथ। व्हाट? कपूर साहब। बोलो बेटा। मैं इनके साथ रहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने बच्चे की खातिर इनके साथ रहना पड़ेगा। चंगा, वेरी गुड। ये आप क्या खा रही हैं? पपीता खा रही हूँ। क्या आपको मालूम नहीं कि पपीता की तासीर गर्म होती है, बच्चे के लिए नुकसान है? यू वांट टू किल माय चाइल्ड अगेन?
सर डॉक्टर की लिस्ट मैं खाता हूं। पेन जी मेरे पास डॉक्टर की लिस्ट है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। बादाम दूध लो आप खुद पढ़ लो जी। मामा मैं ये सब नहीं खा सकती हूं। खाना पड़ेगा जी। मजिस्ट्रेट को फोन लगा। सर जी इस कार में फोन कितने है ना ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे करना पड़ेगा पुलिस आ जाएगी हमको जेल हो जाएगी। हेलो जी। हाँ जी मजिस्ट्रेट साहिबा मैं कांस्टेबल हरविंदर सिंह हार्वी बोल रहा हूँ। सर जी ये डिवोर्स कैंसिल कर दीजिए। व्हाट? क्या है कि ये मेरे भाई के बच्चे को मारना चाहती है कुड़ी। सरदार जी आपके भाई कौन है? जी मैं। क्या? जी हाँ क्योंकि हर हिंदुस्तानी भाई भाई होता है। करेक्ट। बहन जी सिस्टर तुसी ग्रेट हो पाजी। थैंक यू जी। ये क्या कर रही हैं आप? चिकन खा रही हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसके तेल में प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा मोटा पैदा होगा। वो देसी क्यों खा लो जी। जरूर बहन जी। मुंह साफ करो मुझे कपड़े बदलना है। पहली बार देख रही हूँ क्या? देखो मैं सिर्फ मेरी बीवी के सामने कपड़े बदलता हूँ किसी गैर औरत के सामने नहीं। देखो सिर्फ अरे अब क्या चाहते हो तुम? किस करना चाहता हूँ? क्या? लेकिन तुम्हें नहीं मेरे बच्चे को। हाथ हटाओ हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो तुम? देखो आना तुम मुझे तुम्हें किस करने से रोक सकती हो लेकिन मेरे बच्चे को प्यार करने से नहीं रोक सकती। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो बोला हवलदार। हवलदार अरे ठीक है जी। No, it's okay. It's okay. Mwah. मेरा बेटा मुझे बता कि तू सो रही है सो रहा है कि जाग रही जाग रहा है? तू फिक्र मत कर कुछ ही दिनों की बात है। प्रॉमिस यू मैं तुझे इस नर्क से निकाल के ले जाऊंगा। एक्सक्यूज मी मुझे नींद आ रही है मुझे सोना है। तू सो जा चमता नहीं जो सच में हुआ वो किसको प...
गया रे, मैं तो शादी करके फंस गया। वापस जाना। मैं सोई कब थी? मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे सोने दो। अच्छा हवलदार। ओए ओए मुंडे, की प्रॉब्लम है कुड़ी नू? कुत्ते को वॉक कराने ले जाएंगी, मेरे बच्चे को नहीं। ओए वॉक पे नहीं जाएगी, बच्चे को वॉक पे नहीं ले जाएगी। मेरे पास डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस है कि वॉक पे जाना ही पड़ेगा। चलो उठो जी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सोने दे यार, नींद आ रही है, नींद कैसे आएगी? मजिस्ट्रेट को फोन करता हूँ। डिवोर्स भी चाहिए और सोना भी है। हेलो जी, हैं जी, मैजिस्ट्रेट साहिबा जी, अगेन हरविंदर सिंह हार्वी जी विद द सेम प्रॉब्लम अगेन मैडम सर। हाँ तुम कहाँ आ रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने। तो चलो। क्या ऐसी क्या दिख रही हो कि पहली बार दिख रहा हो क्या? उस वक्त तुम मेरे पति थे, मैं किसी गैर आदमी के सामने नहीं रहूंगी, समझे? देखो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ। और बाय द वे तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या मैं हूँ या हवलदार को भेजता अंदर। ठीक है, हवलदार को भेज दो। आई बड़ी न्यूज। क्या हुआ? अच्छा वर्क दिवस लिया, पता नहीं कितने हवलदार के साथ तुम नहीं। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस? हाँ, ना शादी से पहले किसी के साथ नहाई हूँ, ना टूटने के बाद किसी के साथ नहाऊंगी, समझे? रियली? हाँ रियली? ओह गॉड, मैं क्या कर रही हूँ? अब तुम क्या चाहते हो? ठीक है, बच्चे को देखना चाहते हो ना? ठीक है, कब Come. Stop this, yeah. What is this? Huh? I'm not your dog, Tuffy. I'm your husband. Ex-husband. ठीक है? मार दो। मार दो। मार दो। मैं मैकेनिक पे हाथ नहीं उठाती। लड़की मैकेनिक। जीना हराम कर दिया मेरा। सुनो। क्या है? क्या है? Take it easy. मैं नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ओके। शादी कभी मत करना। आपकी जगह यहाँ नहीं, यहाँ। अरे वाह क्या फिट हो गई। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो देखो, रिलैक्स। मेरा बच्चा तुम्हारी आंखों से देखता है, प्लीज उसे ऐसी वैसी चीज मत दिखाई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी के फोटोग्राफ को डस्टबिन में डालने की? How dare you? तुम अपने आप को समझते क्या और मुझे क्या समझते हो? क्या हुआ? लिवर पेन? लिवर पेन? मार! 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 Stop it! मार! मार! मार!
मुझे मार, तेरे पापा को मार मार मार। सॉरी 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 बिल्कुल नहीं, बोलो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा बच्चा हसी, हाउ क्यूट। तुम दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले भी मुझसे यही कहती थी ना कि तुम मुझे जिंदगी भर तक नहीं छोड़ोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि बोलने का अंदाज बदल गया है और उससे मायने। अरे देखो तो कौन आया है। नमस्ते बहन जी, आना कैसी हो? हम आप सबके लिए और खास करके बहू के लिए मिठाई लाए हैं। क्यों, हमने कभी मिठाई खाई नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेहमान, आप एक काम कीजिए, मुझे दीजिए। बेटा दिजी। कल दिवाली है और आप तो जानते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी के बिना पूजा कैसे हो? मेरी बेटी दिवाली पे कहीं नहीं जाएगी। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आयान है ना, हवलदार है ना, सब ठीक हो जाएगा। दिवाली तो मनाएंगे। तू बात कर, रुको बात करता हूँ। आना आज दिवाली है, घर चलना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी उस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। आना आज खुद भराई का रसम है, मैं तुम्हें नहीं मेरे बच्चों के लिए जाना चाहता हूँ। रसम यहाँ पर भी हो सकती है? यहाँ तुम लोग सिर्फ गोद उजाड़ने की रसम आती है, खुद भराई की नहीं। दिवाली के लिए घर पे चलना है, समझे? हेलो, हाय, आपको शाम की पार्टी पक्की है? हा? कोई पार्टी वार्टी पक्की नहीं है, शाम को आओगी यहाँ से लंगड़ी जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह से बात करने की? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और उसका नंबर क्या है उस लड़की का? वो लड़की नहीं, औरत है, चार बार उसका तलाक हो चुका है। लगाओ तो जरा फोन। रम्मी को उसकी मम्मी याद दिला। मम्मी, मैं रम्मी बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ। मैं भी इधर से ही बोल रहा हूँ, मैंने आपको फोन किया था। आज शाम को दीवार की पार्टी है ना, ताश खेलेंगे, शराब पियेंगे, अपने दोस्तों को बुलाओ ना। और बोलो यहाँ पे आए, इतना मारूंगा टांगे तोड़ दूंगा, लंगर दी जाएंगी सब लोग। मम्मी ये क्या बदतमीजी है, क्या गुंडागर्दी है, इतनी बड़ी इंसल्ट। हवालदार साहब क्या आपको दिखाई नहीं देता ये लड़का इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो? ओए बीबी जी, देखने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ये फैमिली मैटर है, कानून के दायरे के बाहर है और मैं कानून वाला हूँ तो एंट्री कैसे ले सकता हूँ? करेक्ट। मम्मा मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो कहते हैं वो करते हैं, बेहतर इसी में मैं इनके साथ चली जाऊँ। करेक्ट। दिवाली मुबारक हो। खाओ लो, रम्मी की रम्मी हो गई। ओह नो, मम्मी तू पूरे 5 लाख रुपए हार गई डार्लिंग। ओए ए की हो रहा है यहाँ पर? जुआ हो रहा सर। जुआ इज इलीगल। ए घर है या क्लब? नाइट क्लब। आ ना मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी, अब देखना मैं लंबी जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। कम ऑन लक्ष्मी। लक्ष्मी ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ, ये सब धुआं सिगरेट मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आई सेड गो अप। हवलदार जी, इस कार में फोन कितने जी? हेलो जी पुलिस स्टेशन। ओ पापा जी, इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह सुखी जी। ओ दिवाली के दिन यहाँ पे शराबें चल रही हैं, पत्ते खेले जा रहे हैं जी। सलूट सर जी। ठीक है जी। ओ भाई साहब आप कौन हो है जी? सर जी इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी। तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब, जाओ ना बैठो, मैं तो कह रहा हूँ सो जाओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग करने क्या आए थे यहाँ पे? है जी हाँ जी, करते बुलाया किसने जी? आपको जो जिसने बुलाया ना उसका नाम वारंट है मेरे पास, नाम बताओ मुझे। और मैं क्या पम्मी रम्मी को बुलाओ यहाँ पे? पम्मी रम्मी जी, ओए ओए इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे सामने खड़े उधर आओ। और मैडम आपके साथ तो मेरा पुराना अकाउंट है, ओ इधर आओ। और मैं क्या इधर आओ। अरविंदर जी को लाइन में खड़ा करे, पीछे तीन दिन लगा। तीन तीन सर जी, उठे देख इधर देख उठे देख। और हुन पम्मी दी बारी। चलो 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 सर,
मुझे क्या कर रहे हैं आप? मैं छड़ा अरविंदर, अरविंदर इनसे कह दे कि हमें औरत के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। सर जी इन्हें माफ कर दो। कर देंगे यार, वो तो अच्छा मैडम आपने टाइम पर हमें सॉरी बोल दिया, और वरना हम तो बड़े कंफ्यूज से हो गए थे कि हम इतने सारे लोगों को कौन से लॉकअप में रखेंगे। मैं क्या करके मर्द को बुलाओ? मर्द था लेकिन शादी के बाद मैं इनके जैसा हो गया हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? और यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने किया कुछ नहीं। अगर आपने अपनी बीवी को कंट्रोल में किया होता ना तो आज हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों रविंदर? सर जी कंट्रोल नहीं होता। ओ यार समझ गया। ओ मैं आपको सलाह देता हूँ भाई साहब, हफ्ते में चार एक दिन ना बीवी को चमाट मार दिया करो, तभी ठीक। और सुनो यार मैं तो जल्दी में हूँ, बिजी हूँ, मुझे एक जगह और धाड़ मारने जाना है। तू हैंडल विद केयर द मैटर। सर जी सर जी, और मैंने आपको बहुत काम की बात बताई है, याद रखना। चलो चलो चलो, पहले आप अपने पति के पास जाइए। इनके चार तलाक हो चुके हैं। रेडी सर जी? ओए चक्का मारिया स्टुपिड, इस बार तेनू आउट कर दूंगा। ओए चक्का पम्मी, दिन ब दिन इन लोगों की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 दिन की तो बात है, आना की डिलीवरी हो जाएगी, ये बच्चा लेकर चले जाएंगे। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी डिलीवरी को अभी भी 10 दिन बाकी है। मैंने सुबह ही डॉक्टर से बात की। नहीं मम्मा, आज बहुत दर्द हो रहा है। आना बेटा, ये लेबर पेन नहीं है, मुझे मालूम है, एक पेन किलर लो और जाकर सो जाओ। ऐसी माँ को तो मार देना चाहिए। आना, आना, आना। आया, हॉस्पिटल। कुछ मत बोलना। चल, 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 टाइम वेस्ट मत कर, चल। बस अंदर जाओ और 10 मिनट में बाहर, और बच्चा हाथ में, और 2 महीने में दाग भी गायब हो जाते हैं। ये सिजेरियन की बातें क्यों कर रही है? पता लगा क्या था? डॉक्टर, नॉर्मल है ना? या इट्स नॉर्मल। भैया, ये नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या फर्क होता है? चुप। राहुल, हाँ, सिजेरियन में पेट काट कर बच्चे को निकालते हैं। ओ, और नॉर्मल में? बगैर पेट काटे। बगैर पेट काटे, वो कैसे? देखो राहुल, मैं पूरा स्क्रीन पे तुम्हें। चुप चुप, और तू भी चुप, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है, ये घर नहीं हॉस्पिटल है, चुपचाप बैठा रहे यहाँ। अरे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बन गया, बच्चा बन आपकी साहब उसे बाहर ले गए हैं। निर्मला जाओ, बच्ची को लेकर आओ। जी मैम। कैसी हो आना? हाँ डॉक्टर, वो लोग तो बच्ची को लेके जा रहे हैं। हेलो मिस, एक्सक्यूज मी, इस बच्चे को लेकर इसकी माँ के बिना तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम पति पत्नी का डिवोर्स हो चुका है, कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मुझे दी। ओह, लेकिन एक दिन की ये बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? ये मेरी माँ है, इनको 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, मेरे दादी को 5 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, घबराइए मत, बड़े प्यार से रखेंगे। आप तो इस बच्ची को पाल लेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते इस बच्ची को कम से कम 2 महीने तक माँ का दूध पिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी माँ के हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बच्ची को 2 महीने तक माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 महीने? जी। चलिए। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? लेकिन पहले इनसे कहिए कि ये बाहर जाए। He is insulting me. मैं क्यों बाहर जाऊं? No problem. हम लोग चले जाते हैं। अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहती हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, प्लीज। ओके।
डॉक्टर साहब मैं सब भूल जाता हूं, ठीक है कि ये मेरी बच्ची को दूध पिलाए, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन्हें मेरे घर पे आके दूध पिलाना पड़ेगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लड़की है, एक दिन इसे पराए घर जाना है, और मैं ये नहीं चाहता कि इसकी माँ का और इसकी माँ का असर मेरी बच्ची पे पड़े। और कोई लड़का मेरी तरह सफर करे, बिकॉज डॉक्टर साहब से फ्री मीन ओके, कहीं पर भी दूध पिलाइए, लेकिन माँ का बच्ची को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। ये तो आप करिए ना डॉक्टर, इनसे भी तो पूछ लीजिए कि ये इसे दूध पिलाना चाहते कि नहीं, क्योंकि दे वेरी फिगर कॉन्शियस द होल फैमिली। डॉक्टर साहब इन्होंने एक ऑलरेडी अबॉर्शन कर चुकी है। अगर इसे अपनी सेहत प्यारी है तो जहां आप कहेंगे इसे वही आकर बच्ची को दूध पिलाना पड़ेगा। ठीक। हाँ मामा। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, बच्चे को दूध पिला रही थी। पागल हो गई? बच्चे को अपना दूध पिला रही है, फिगर खराब करना है क्या? बच्चे को बोतल का दूध पिलाने की आदत डाल दो, समझी? क्या? कुछ नहीं मामा, मुझे 5 मिनट के बाद फोन करना। ओके ओके। मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी। अरे सुनो तो। साहब, ये बच्चा मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए। हम तुमसे तुम्हारे बच्चे को अलग नहीं कर रहे हैं, हम तो इसका भविष्य बनाना चाहते हैं। लाओ साहब, हर बच्चा अपने माँ के पास खुश रहता है। मैं इस बच्चे की परवरिश के लिए भेंट मांगूंगी, लेकिन लेकिन अपना बच्चा नहीं बेचूंगी। बेटी, मेरी शादी से लेकर आज तक 25 साल, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी माँ की हर बात मानी, हर बेइज्जती सही। जानती हो किसके लिए? सिर्फ अपनी औलाद के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए। लेकिन तुम क्या कर रही हो अपनी औलाद के लिए? जो तुम्हारा खून है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, अपनी झूठी खुशी के लिए खुद से अलग कर रही हो? तुमने सिर्फ अपनी माँ की खूबियों को अपनाया है, अपने बाप का कुछ भी नहीं अपनाया। प्यार का मतलब समझती हो? प्यार का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग, कुर्बानी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने आयान के साथ कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि प्यार करने वाला इतनी नफरत नहीं करता। बेटी, प्यार और औलाद के बिना इंसान कभी खुश नहीं रहता, और अगर तुम खुश नहीं रही ना बेटी, ये तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। हाँ बेटी,
अरे वाह मेरा छोटा बेटा, अरे वाह से पानी जा, कितना मजा आ रहा है। नहीं हो गई, अरे जल्दी टॉवल लाना। तो सुनते हो? आ गया। अरे जल्दी जल्दी वो बिछाओ पहले। अरे पहली बार करो, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए ना। जल्दी करो। पाउडर लगाओ? हाँ पाउडर लगाओ। अरे ये नहीं बाबा, वो अरे रो रही है, मुझे लगता है इसे भूख लगी है। मम्मी जी दूध। हाँ ओली ओली ओली, भूख लगी है। हाँ नहीं इसे बहुत भूख लगी है। अंजू आई थिंक इसे सेरेला की आदत डाल देनी चाहिए। सही है ना? सही है ना? दो महीने बाद आहाना चली जाएगी तो पाउडर वाले दूध पे ही तो जाएगी बच्ची। क्या बेटा नहीं रोते? नहीं कम कम भाभी दूध पिला दिया, मुझे दे दो। आज बुआ पास आ जा। चलो दादी माँ पास चलते हैं, उनके साथ खेलेंगे। मेरा बेटा, मेरी जान। मम्मी आपको सिर्फ इतना बताना चाहती है कि मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, मेरा बच्चा। तुम भी कैसे जानती, कभी जताने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, मत रो मेरा बेटा, मम्मी के पास आकर रोती हो, क्यों मुझे इतनी सजा दी? आया नहीं क्यों कर? बेटा, ये सजा तो बहुत कम है। ये जो अभी तुम्हारी मम्मी ने कहा है ना, उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तुम बड़ी होगी, तुम्हारी बच्ची होगी, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी बच्ची को लेकर कोने में रोती बैठो। मालूम इसका मतलब क्या होगा? कि तुम एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। सर ये आपके नाम की रजिस्ट्री है, यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू। डिवोर्स के पेपर्स आ गए। आयान, आज के बाद हमारी बच्ची इससे दूध पिएगी। अरे सुन तो, आयान बुला के आता हूँ मैडम को। बेटा इनका दूध पिलाने का टाइम खत्म हो गया। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसकी मम्मी को फोन लगाते हैं। आइए अपनी बेटी को ले जाइए। के माँ बाप आए। मैं आना बेटी। Thank you.
I'm sorry. अब ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए था. डिवोर्स के पेपर आ चुके हैं, तलाक हो चुका है. ना इस घर पे, ना मुझ पे, ना इस बच्चे पे तुम्हारा कोई अधिकार है. प्लीज जाइए. मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जाना चाहती. आयान इसे माफ कर दो. माँ आप मुझे माफ कीजिए, मैं इसे माफ नहीं कर सकता. आयान बेटे, बहू को तुम देखिए. दादी माँ, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो इस घर में कभी खुशियाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये जानती नहीं है कि असली खुशी दूसरों को खुश रखने में, असली इज्जत बड़ों की इज्जत करने में. इसकी माँ ने कभी इसे सिखाया नहीं. से मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए. क्या, जो बच्चा 3 महीने का भी नहीं हुआ है उसे तुम अलग नहीं रह सकती? और तुम 31 साल के बेटे को उसके माँ, उसके पूरे परिवार से अलग करना चाहती थी. आयान, सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है यार. देख कर, मुझे कोई बड़ा बड़ा नहीं बनना. जिसको चोट बचती है उसको ही दर्द का एहसास होता है. तुझे मालूम है हमारी मैरिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो सली डायरी जिसे मैंने पढ़ ली, अरे उसमें लिखा क्या था? मेरा फेवरेट कलर ये, मेरा फेवरेट हिल स्टेशन ये. अगर उसमें ये लिखा होता ना कि मेरा पति मेरा बाप जैसा होगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता. क्यों रो रहा हूं मैं? किसके लिए रो रहा हूं? इसके लिए जिसने मेरी बेटी को गंदा खून कहा. जाओ अपने अच्छे खून के पास. बनाइए एक्ट्रेस, बनाइए मॉडल, करा दीजिए शादी किसी ऊंचे खानदान में. चलो बेटी, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है ना, तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना किसी की परवाह करने की. इसे एक मौका और दे दो. अभी समझ गई? नहीं सर, देख लिया आपने अपनी खामोशी का नतीजा. याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिसने तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा. वो दिन आज है. Get up. यहाँ पर तुझे कोई नहीं समझेगा बेटी, चलो. इस घर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में तुम लोग कोई नहीं समझ पाएगा. सर चलो. प्लीज सर, थैंक यू सर. शर्म नहीं आती क्या? चलिए यार, मेरा बच्चा. क्यों रो रही है? बेटी इसे अपनी माँ की जरूरत है. बेटी किस माँ के लिए रो रही थी जो तुझे पैदा भी नहीं करना चाहती थी? आयान, तू 30 साल का होने के बाद भी अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता. तू ये तो 3 महीने की है, अपनी माँ से अलग कैसे रहेगी? तू आहना को नहीं चाहता है ना? ठीक है, लेकिन बच्ची को तो चाहता है, तो बच्ची की खातिर आहना को लेकर आ. जा. माँ, आपको क्या लगता कि मैं उसे प्यार नहीं करता? मैं उसे बहुत प्यार करता. बस कुछ दिन वो अपने पति और अपने बच्चे के बिना रहेगी, उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा. उसे एहसास हो चुका है आयान, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है. मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो नहीं जाना चाहती थी यहाँ से. जा आयान, उसे लेकर आ. तुम जानती हो आना, तुम्हारे लिए मैंने अमेरिका में एक लड़का पसंद किया है और मैंने उसको सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है. सब कुछ. मम्मा गाड़ी रोको. क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको. पागल हो गई क्या ना? गाड़ी क्यों रोको? मम्मा गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी. हाँ आना, आना रुक जाओ. आना पागलपन मत करो. जा रही हूँ. आना पागलपन मत करो. आना गाड़ी में बैठ जाओ. मम्मा मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती. भूल जाओ उसे. तूने देखा नहीं उस लड़के के तेवर क्या थे? किस तरह से तुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया? अब तू दोबारा उसके घर पे जाना चाहती है? मम्मा, वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके घर के चौखट पर कदम नहीं रखूंगी. हाँ ना? नहीं मम्मा, मुझे छोड़ दो. जाने दो उसको. क्या कह रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है.
हाउ डेयर यू बेवकूफ औरत, शादी के बाद घर के सुख के लिए, सुकून के लिए मियां बीबी के बीच में कोई ठुक जाता है, कोई दब जाता है। मैं दबा, अपने परिवार के लिए दबा, और तुम इस चुप को एक कमजोरी समझने लगी। लेकिन आज मैं चुप रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज सवाल है मेरी बेटी की जिंदगी का। अरे कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो, अपने इन हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो, शर्म आने चाहिए तुमको। मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, फिनिश, दी एंड। नहीं, चुप बेटी, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल हो गई मुझसे, प्लीज, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिगैर नहीं रह सकती। चुप, एक काम करो, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो, जाओ बैठो गाड़ी में। जब आप अब भी अपने पति और बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप मुझे मेरे पति और बेटी को छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? आना बेटी, आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? बस बस बहुत हो गया, चलो अंदर। हाय पमी, क्या कर रही है? पति की सेवा? बोर मत कर यार, पार्टी के लिए तैयार नहीं होने? गेट आउट, और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। पमी मजाक मत कर यार, कम ऑन गेट रेडी। सुना नहीं इसने क्या बोला? उठू क्या मैं दरवाजे से? ओफो, दोबारा आ गई लगता है। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार। दामाद जी आए ना। सराहना कहाँ है सर? उसे बुला दीजिए ना। वो तुम्हारे घर नहीं गई? वो कह रही थी कि वो मर जाएगी, लेकिन हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। अगर वो आहाना गई कहाँ? तू अकेली क्यों है? और आहना कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बच्ची कहें माँ? यहाँ क्यों आई हो? मैं बच्चे के लिए आई हूँ। अरे सुनिए, क्या है? मेरा मतलब है दूसरे बच्चे के लिए। I'm sorry, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। एक बात बोलूं? क्या? I'm convinced, really. अब कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। I love you. और अभी से शादी is going to be mind blowing. Thank you.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.